ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا ثم اما بعد اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن بعد حمد صلاتك ديني بهيو إسلامي مار بهنو जद्दा दावा सेंटर है सलामा ममलकत सऊदी अरबिया के जानिब से अबू सैद इनायतर ऊस्मान आफ़िल्ल अनिलमसमिन अजमाइन आपसे मुखातब है जैसा कि आप जानते हैं सही बुखारी की किताबुल फितन की अदीस की शरा का सिलसिला जारी है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में 97 सेवे किताबों किताबों का तस्करा फरमाया है जिसमें किताबुल ईमान, किताबुल इल्म, किताबुत तौहीद की शर हमने मुकम्मल कर ली है अब किताबुल फितन का आगाज किया गया किताबुल फितन में 101 सौ एक अहादीस का इमाम बुखारी रमतल ने इंतखब फरमाया है जिनमें इक्यासी हदीसें मकर्र हैं और इक्कीस हदीसें खालिस हैं गैर मुकर हैं मरफो अहदीस के अलावा इमाम बुखारी रहा आल ने साहब करामबे नज़ाम से पंद्रह आसार भी पेश किए हैं किताबलफ़तन पर इमाम बुखारी ने आठाईस अबूआ यानी अनाविन क़ायम किए हैं और इन अनावीन को कायम करके इमाम बुखारी रहा फितनों के इसबाब फितनों के वसाइल उनसे बचाव की तदबिर बयान करना चाहते हैं प्यारे नबी सल्लाम ने अपनी उम्मत को फितनों से कबल अज़ वक्त आगा कर दिया था अपने साहबा कराम को भी सब्र इस्तकामत की तलकिन फरमाई थी तो और फितनों से बचने के लिए बहुत सारी दुआएं भी सिखाई थी जिनमें से एक दुआ आप रोज़ाना फितन के दर्स के आखिर में सुनते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना मिन अल फितन मा जहरअ मिनह मा बतन मैंने आपको बताया साथियों दीनी भाइयों इस्लामी माँ और बहनों सई बारी में 97 किताबें मौजूद हैं जिनमें ईमान किताबुल किताब, किताब, किताब अब किताब-ul-फितन की शरह का आगाज किया गया है और, और हर किताब में कुछ अफवाब होते हैं इस तरह पूरे टोटल सही बुखारी में तीन हजार चार सौ पचास अबवाब इमाम बुखारी ने किताब-ul-फितन को जिक्र करके उसके आगाज में और जैसा कि मैंने आपको बताया कि किताब हर किताब के आगाज़ में इमाम बुखारी रहा की आदत मुबारक है कि उस किताब से मुतल आयतों को कोड़ करते हैं तो अनफाल की आयत नंबर पच्चीस गुज्त दर्स में किताबुल फितन के सही आ, सही बुखारी की किताबुल फितन के पहले बाब में जो जिस आयत का तस्करा इमाम बुखारी ने किया है बबूमा जाफी कव तक और तुम उस फितने से डरो जो खास उन्हीं लोगों को नहीं पहुंचेगा जिन्होंने खास तौर पर तुम में से जुल्म किया होगा और जान लो बिला शुबा शख्स सजा देने अल्लाह सजा देने वाले हैं और पैर नबी वसम ने भी व नबील वसम्मनफन पैर नबी का अपनी उम्मत को फितने से खबरदार करने का बयान ये इस बाब का हेडिंग और इसका माना और मफहूम और उसकी वजाहत करते हुए हमने आपको बताया था फितना फितने का इतलाक़ अरबी ज़ुबान में कई मानों पर होता है कभी अजाब के मानी में आता है कभी अजाब के वसाइल और इसबाब के मानी में आता है कभी आजमाइश और इम्तहान के मान में आता है फितने से मुराद एक ऐसी आजमाइश है उमूमा जिसका इंसान को पता भी ना चले वो अंदर ही अंदर अपना काम किए जा रही हो इस बाब के दोनवान हैं एक, आ, एक दो जुज़ हैं एक जुज़ में के आयत करीमा सूर्य अनफ़ाल की आयत नंबर पच्चीस की वजाहत है और दूसरे हिस्से में प्यारे नबी सल्ला वसम की तंबीह का बयान है जो आपने फितनों के मुतालिक अपनी उम्मत को ख़बरदार की है कि आइंदा बड़े संगीन कस्म के फितने आने वाले हैं जिसमें आदमी का दीन और ईमान महफूज रखना बड़ा मुश्किल तरीन काम हो जाएगा तो फितने से बचने के लिए आपने उम्मत को बहुत सारे वसाइल और इसबाब और तदबीरों तदबीरें भी बताई आयत करीमा में फितने से मुराद बदतको फितनलासीबीम फितने से मुराद ऐसा गुनाह है जिसकी सज़ा आम होती है किसी माशरे में जब कोई बुराई पैदा होती है शर जन्म लेता है लोग उसका बरवक़्त नोटिस नहीं लेते और लोग उस शर और बुराई से मना नहीं करते तो जिसके नतीजे में वो बुराई माशरे में फैलना शुरू कर देती है और फैलते फैलते पूरे माशरे को अपने जद में लेशरा पूरी बुरी तरह उसकी जद में आ जाता है जिसके नतीजे में और लोग उस बुराई से नहीं रोकते अमर बिल बिल्माफ और नहीं मुनकर का फरीजा अंजाम नहीं देते हर एक को अपने अपने सतह पर अफराद इनफ़रादी सतह पर जमातें इज्तमाही सतह पर इस फरीजे को जब तक अंजाम देती रहेंगे तो अल्लाह का टलता रहेगा और जिस दिन इस फरीज इस फरीजे से अफराध भी गाफिल हो जाएंगे उम्मत भी गफलत में पड़ जाएगी तो अजाब अल्लाह ताला का जब आएगा तो सबको अपने लपेट में ले लेगा ये गुज्त दर्स का खुलासा था मेरे भाइयों और बहनों आज का दर्श भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है आज के दर्स में इमाम बुखारी रहा आल ने सही बुखारी में एक हदीस लाई है उस हदीस में हदीस नंबर ये हदीस किताबुल फितन आ में तो नहीं जिक्र किया है इसको इमाम बुखारी रहा आल ले ने लेकिन इस हदीस का नंबर है तीन हज़ार दो सौ सतसठ उस हदीस में قيل لاسامه لو اتيت فلانا فكلمته قال انكم لترون اني لو لا اكلمه الا اسمعكم اني اكلمه في السر دون ان افتح بابا لا اكون اول من فتحه ولا اقول لرجل ان كان علي اميرا انه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وما سمعته يقول قال سمعت يقول يجاء بالرجل يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا اتيه وانهاكم عن المنكر واتيه امام بخاري رحمه الله عليه اپنی سند سے حضرت بن زيد رواية نقل کی ابو وائل نے بیان کیا بن زيد رضي الله تعالى عنهما سے कि अगर आप फ़लां साहब यानि स्स्मान बिन अफान रदी अल्लाह ताली के यहाँ जाकर उनसे गुफ्तगू करो तो अच्छा है ताकि वो ये फसाद दबाने की तदबीर करें उन्होंने कहा क्या तुम लोग ये समझते हो कि मैं उनसे तुमको सुनाकर तुम्हारे सामने ही बात करता हूँ मैं तनहाई में उनसे गुफगू करता हूँ इस तरह पर के फसा का दरवाज़ा नहीं खुलता मैं ये भी नहीं चाहता कि सबसे पहले फसाद का दरवाज़ा खोलूँ और मैं आपसे एक हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनने के बाद ये भी नहीं कहता है कि जो शख्स मेरे ऊपर सरदार हो या अमीर हो वो सब लोगों में बेहतर है लोगों ने पूछा कि आपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हदीस सुनी है वो क्या है तो हजरत उसामा बिन जैद रदी अल्लाह तुमा ने कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्रम सरमाते सुना था क़यामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा और जहन्नम में डाल दिया जाएगा आग में उसकी आते बाहर निकल आएँगी वो शख्स इस तरह चक्कर लगाने लगेगा जैसे गधा अपनी चक्की पर गर्दिश किया करता है जहन्नम में डाले जाने वाले उसके करीब लोग आकर जमा हो जाएंगे और उससे कहेंगे अ फलान आज ये तुम्हारी क्या हालत बनी हुई है क्या तुम हमें अच्छे काम करने के लिए नहीं कहते थे और क्या तुम बुरे कामों से हमें मना नहीं करते थे वो शख्स कहेगा जी हाँ बिल्कुल मैं ऐसा करता था मैं तुम्हें तो अच्छे कामों का हुक्म देता था लेकिन मैं ख़ुद अच्छे काम करता नहीं था बुरे कामों से तुम्हें मना भी करता था लेकिन मैं ख़ुद बुरे काम किया करता था इस हदीस की शराह करते हुए शार बुखारी अबू महमद अब्दुलस्तार अहमद हबीला ने लिखा है और इसी हदीस को इमाम बुखारी रहा आ फितन में भी जिक्र किया है माफ़ करना كتاب الفطر حديث حدیث نمبر 7098 میں یہ روایت کچھ مختلف الفاظ سے آئی ہے, ہے قيل لأسامة ألا تكلم هذا قال قد كلمت ما دون أن أفتح بابا أقول أول من يفتحه وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه فيطيف به اهل النار فيقولون اي فلان الست كنت تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول اني كنت امر بالمعروف وافعله وانهى عن المنكر ولا كنت امر بالمعروف ولا افعله وانهى عن المنكر وافعله तर्जुमा तकरीबन वही है जो पहले हदीस में आपने सुना दीनी भाइयों अज़ीज़ साथियों, इस इस हदीस का तर्जुमा सुनने के बाद शायद आपको कुछ मुबा लगा होगा इसका ख़ुलासा ये है कि वाक़ दरअसल हजरत ओस्मान के ज़माने में पेश आया हजरत ऊस्मान के एक मादरी भाई थे वलीद बिन उकबा, वफ़ा के गवर्नर थे और उनके बारे में हज़रत उस्मान को जब ख़बर मिली कि वो शराब नोशी के आदि हैं तो आपने तहकीक मुकम्मल होने तक उन पर हद लगाने से सुकूत इख्तियार फरमाया तहकीक़ के लिए लोगों को भेजा उनके पास कोफे में इस तख़िर में लोगों के अंदर शुकू को शुभात ने जन्म लिया लोग सोचने लगे अपना रिश्तेदार है माँ जा भाई है इसलिए हज़रत उस्मान उसको शराब नौशी पर सजा नहीं दे रहे साजिशी जो गुरो था इराकियों का कोफे में उसने इस बात को बहुत उछाला चुनाचे किसी ने हजरत उसामा से कहा लोगों में वलीद बिन अकबा की शराब नौशी का बहुत चर्चा हो रहा है आप इस सिलसिले में हज़रत उस्मान से गुफ्तु क्यों नहीं करते आपके ताल्लुक हजरत उस्मान से बड़े अच्छे हैं तो हजरत उसामा बिन जैद ने कहा क्या तुम मेरे बारे में गुमान करते हो कि मैं हजरत उस्मान को अच्छी बात कहने में सुस्ती या मुदाहनत से काम लेता हूँ बिल्कुल बात ऐसी नहीं है न मैं खुशामदी करता हूँ न हक बात के कहने में सुस्ती और मदाहनत से काम लेता हूँ वह हाकिम हैं तो अपनी जगह पर हैं उनकी मैं बेजा तारीफ भी नहीं करता मैंने उनसे मसलाहत अदब और अहतराम और राजदारी के तौर पर बात तो ज़रूर की है मैं नहीं चाहता कि सर आम उनसे गुफ्तगु करूँ जिससे फितने की आग मजीद भड़के और सबसे बढ़कर मैं फितना उठाने वाला बन जाऊँ और फितने का दरवाज़ा खोलने वाला मैं पहला शख्स बन जाऊँ मैं ये भी नहीं चाहता कि अमर बिलमूफ में कोताही करके उस शख्स जैसा बन जाऊँ जिसका जिक्र प्यारे नबी सला वसम से हदीस में मैंने सुना है जैसा कि आप सामने तर्जमे से आवाज़ें हुआ होगा कल क़ियामत के दिन एक शख्स को जहन में जब डाला जाएगा तो वो किस तरह से गधे की तरह चक्कर लगाएगा गधा जैसे चक्की की तरफ चलता है इब्ने हजर रही ने बारी में लिखा है कि हज़रत उसामा ने काबिल तारीफ़ रवादारी और काबिल मदम्मत मुदाहनत की तरफ इशारा किया है अच्छी रवादारी का जब्ता यह है कि उसमें दीन का कोई पहलू मजरू ना होता हो और मुदाहनत है कि उसमें किसी बुरी बात की परदापशी की जाए बातिल को सहारा दिया जाए हजरत उसामा बिन जैद ने ऐसा बिल्कुल ही होने नहीं दिया खामोशी के साथ राजदारी से लोगों में फितना और फसाद ना हो हजरत उस्मान से बात की कि आपके मादरी भाई जो कुफे के गवर्नर हैं वलीद बिन अखबा वो उनके बारे में बासूक़र से जरा मा, से मालूम हुआ है कि वो शराब नशी की लत में उबतला हैं आप उन पर हद जारी करें हज़रत उसामा से लोगों ने कहा कि आप हज़रत स्मान के मादरी भाई वलिद बिन अकबा से शराब नशी के मतलब गुफ्तु करें तो ताकि लोगों की चे मैगोयाँ और जो लोगों में जो चर्चा हो रहा है वो सब ख़त्म हो जाए उन्होंने कहा मैं सबके सामने अलानिया बात करने के बजाय तन्हाई और पुरास तरीके से बात करता हूँ ताकि अलानिया बात करने के सूरत में फितने की आग भड़क उठेगी और मैं फितनों का आगाज करने वाला बन जाऊँगा मैं जिस तरह लोगों को अच्छी बातों पर अमल करने को कहता हूँ बुरी बातों से रोकता हूँ बिल्कुल बेआईनी अपने हुक्मरानों पर भी अच्छी बात वाजे कर देता हूँ अगर मैं अमर बिलमूफ तर्क कर दूँ नहीं मुनकर का फरीजा छोड़ दूँ मेरी मिसाल भी उस शख्स की जैसी हो जाएगी जिसका हदीस में तस्करा किया गया हजरत उसामा का मकसद ये था कि अलानिया तौर पर उम्र के खिलाफ बात करना बेअदबी है उससे यह बावर न कर लिया जाए कि मैं उनसे बात ही नहीं करता क्योंकि ऐसा अंदाज इख्तियार करना अमर बिलमूफ के ख़िलाफ़ है अमर बिल्माफ का अंजाम देते हुए प्यार के साथ मोहब्बत के साथ अखलास के साथ हमदर्दी के साथ और हिकमत दानाई के साथ लोगों में किसी कस्म का फितना और फसाद आ, का अंदेशा आ, का अंदेशों को दूर करते हुए इस काम को इस फरीजे को अंजाम देना चाहिए और इस हदीस में जो सख्त वईद आई है हमारे क्राम खुतबा नज़ाम को भी इस पर गौर करना चाहिए कि अपने इल्म और वाज के मुताबिक जो अमल नहीं करते उन्हें भी इस हदीस के में जो संगीन कस्म की सज़ा जिक्र की गई है उससे आगा होना चाहिए और जहाँ तक मुमकिन हो अपने इल्म और वाज के मुताबिक अपना अमली किरदार भी ज़ाहिर और बातिन में आ, अपना आ, उसको तब्दील करने की ज़रूरत है इमाम बुखारी के फितन के पहले बाब की हदीस नंबर सेवन जीरो एट फोर में हजरत नाफ़े बिन उमर हदीस बयान करते हुए कहते हैं, ابي مليكه قال قالت اسماء عن النبي صلى الله عليه नबी قال أنا على حوضي أنتظر من يرد عليّ فيؤخذ بنأس من دوني فأقول أمتي فيقول لا تدري مشوا على القهقرة قال ابن مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. حضرت أسماء بنت أبو بكر رضي الله تعالى عنهم سي روايته والنبي أكرم صلى الله عليه وسلم سي بيان كرتين آپ نے فرمایا मैं क़ियामत के दिन अपने हौज़ कौसर पर उन लोगों का इंतज़ार करूंगा जो मेरे पास आएंगे फिर कुछ लोगों को मेरे पास पहुँचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो मैं कहूँगा ये तो मेरे उम्मत के लोग हैं आने दो छोड़ो उनको जवाब मिलेगा आप नहीं जानते ये लोग तो दिल इस्लाम से उल्टे पाओ फिर गए थे हदीस के रावी इब्ने अबी मुलैका कहा करते थे अल्लाह हम तेरी पनाह मांगते हैं कि हम ए के बल फिर जाएं या किसी फितने में मुब्तला हो जाएं तो इस हदीस की शराह करते हुए महदसिन ने लिखा है इस हदीस से मालूम होता है कि दीन इस्लाम में सबसे बड़ा फितना है कि इंसान किसी इबिदात का मरतकब हो और वो इस तरह दीन इस्लाम से फिर जाए इस जुर्म की पैदाश में इंसान प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से भी महरूम हो सकता है और उस, उसके नेक आमाल भी ज़ाय हो सकते हैं इब्ने मलेक्का की तरह अल्लाह ताला के हुजूर हम भी दुआ गए हैं कि अल्लाह हम तेरे पनाह के तालिब हैं कहीं ऐसा ना हो कि हम उल्टे पाँव फिर जाएँ या किसी मुबते फितने में मुबला होकर तबाह और बर्बाद हो जाए अल्लाह तो हमें हर कस्म के ज़ाहरी और बातिन फितरों से महफूज रखना तो मालूम हुआ साथियों ایک اور حدیث جو اسی معنی میں ہے حدیث نمبر 7049 نبی اکرم صلی عبد الله بن مسعود اس حدیث کے قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم انا فرطكم على الحوض لا يرفعن الي رجال منكم حتى اذا اهويت لي اختلجوا دوني فاقول اي رب اصحابي यकोलो लदरी मदत हजरत अब्दुल्ला मशहूस रवायत है उन्होंने कहा कि नबी अक्रम सल वसम ने फरमाया मैं हौज कोसर पर तुम्हारा इंतज़ार करूंगा और तुम में से कुछ लोग मेरी तरफ आएंगे जब मैं उन्हें पानी देने के लिए झुकूंगा तो उन्हें मेरे सामने से दूर कर दिया जाएगा मैं कहूँगा अरेब ये तो मेरे साथी हैं मेरे उम्मत ही हैं अल्लाह ताली फरमाएगा आपको नहीं मालूम उन लोगों ने आपके बाद दिन में क्या और किस किस किस्म की कि नई नई बातें ईजाद कर ली थी इसी तरह की दो रिवायतें और हैं जिसमें यही मफहम बयान किया गया है तो इन तमाम हादिस का खुलासा यह है साथियों कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, के दिन में तब्दीली दो तरह से मुमकिन है एक, एक आदमी दीन इस्लाम को छोड़कर मुर्तद हो जाए जैसा कि कुछ लोग मुसलमह कज़ाब से जाकर मिल गए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद इस कस्म के मलून तो जन्नत से बिल्कुल ही महरूम होंगे क्योंकि उन्होंने दीन की बुनियादी ख़त्म कर डाली दूसरी तब्दीली इस तरह होगी कि आपस में स्तम किया होगा इस तरह के लोग वक्ती तौर पर हौज़ कसत से दूर कर दिए जाएंगे फिर सजा भुगत कर या सिफारिश की वजह से जन्नत में दाखिल होंगे क्योंकि ऐसे लोग मुशरिक नहीं बल्कि बिल्कुल जन्नत से महरूम कर दिया जाए ये लोग कबीरा गुनाह वालों की तरह होंगे जिन्हें बिलाकर जहन्नम से निकाल लिया जाएगा बहरहाल बिदात का अरत बहुत ही संगीन जुर्म और अजीम फितना है इन्हें पैर रसूल पहले वसल्लम के पास लाया जाएगा फिर उन्हें वहाँ से हटाया जाएगा उससे मकसूद ये होगा कि उन्हें और ज़्यादा तकलीफ़ ताकि शिद्दत प्यास की शिद्दत के वक्त पानी को दे कर देख देख कर, दे, कर अल्लाह के नबी के हाथों में जाम देख कर उनको दिखा कर वहाँ से जब वापस कर दिया जाएगा और में फेंक दिया जाएगा तो जो हसरत का आलम होगा जो नफसियातीजाब होगा जिसमानी अजाब के साथ साथ नफ्सियाती अजाब भी होगा तो जैसा कि शायर कहता है किस्मत की बदनसीबी टूटी कहाँ खमंद दो चार हाथ जब के लबे बाम रह गया अजीज़ साथियों दीनी भाइयों आज हमारा पैगाम आपके नाम ये है कि दुनिया में इस वक्त जो भी अजाब या अब मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ़ मल्कों में दुनिया भर में हम देख रहे हैं कहीं टिड्डियों का अजाब है तो कहीं सैलाबों का अजाब है कहीं तूफ़ान हैं कहीं जलजले हैं और सारी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस का कहर शक्ल में सारी दुनिया पर जो अजाब आया हुआ है उससे बचने के लिए जहां ने सेहत के उलों का अहमाम और पास लिहाज करना बेहद जरूरी है याद रखिए कोरोना वायरस का कहर हो या दूसरा कोई अजाब हो जलजले हों या तूफान हो टिड्डियों का हमला हो या सैलाब हो ये सारी चीजें जहरी इसबाब उन सारी चीज़ों से बचने के लिए ज़ाहरी जो इसबाब हैं वो तो अपना नहीं है सेहत के उलूलों का ख़्याल करना सफाई का अहतमाम करना जिसमानी दूरी के फ़ासले अपनाना बनाए रखना ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं लेकिन अच्छी तरह याद रखिए अल्लाह के अजाब को टालने के लिए इस हकीकत को जहन व दिमाग पर पत्थर में नक्श की तरह बिठा लीजिए बातिन इसबाब की तरफ भी तवज्जो देना ज़रूरी है क़ुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें इस अजाब से निकलने का रास्ता भी बताया सिर्फ ज़ाहिर इसबाब काफ़ी नहीं है सैनिटाइजर से साबुन से शैम्पू से बार बार हाथ धोना पाकी सफाई हमारे दिन का एक अहम तरीन हिस्सा है बल्कि अतोर शतरईमान आज आलमी इदारे सेहत की तरफ़ से जो गाइडलाइंस पाकी और सफाई के ताल्लुक से कोरोना वायरस से बचने के ताल्लुक से हमारे सामने पेश किए जा रहे हैं आज से 1400 साल पहले मेरे और आपके आका जनाब अलैहि सल्ला ने हमें और हमारे दीन ने ये सारी तालीमा पहले से पेश कर चुकी हैं पाँच वक्त एक मुसलमान नमाज के लिए बाकायदा वजू करता है और पाकि सफाई के लिए भी गसल करता है और हफ्ते में एक मरतबा जुमा का गसल वाजिब है तो मालूम ये हुआ कि जहारी इसबाब के साथ साथ अजाब से बचने के लिए बातनी इसबाब की तरफ तोज्जो देना भी ज़रूरी है बातिनी इसबाब क्या हैं गुनाहों से बचना पहला सबब इंसानों के ज़ाहरी और बातिनी गुनाह उनमें से कुछ गुनाहों का ताल्लुक अफ़राद से होता है इनफरादी तौर पर हम में से हर शख्स कोई ना कोई गुनाह ज़रूर करता है रोज़ाना बल्कि 24 घंटों में से हर घंटे हर लम्हे में कोई ना कोई गुना हमसे सरजद होता है और कुछ गुनाहों का ताल्लुक समाज और माशरे से होता है कुछ गुना इज्तमी तौर पर भी होते हैं तो चाहे गुनाह इंफरादी तौर पर हों या समाजी और माशरती तौर पर हों या इजमीही शक्ल में हों हर कस्म के गुनाहों को हर फर्द को हर मुश हर सोसाइटी को हर समाज के हर आ, तमाम तबकात को हर कस्म के जाहरी और बातनी गुनाहों से पाक करने की नीयत से अल्लाह का खौफ दिल में लाते हुए उसके अजाब का डर दिल में बिठाए हुए शदक दिल से अल्लाह की नाफरमानियों से तोबा और इस्तफार का अहतमाम करें तोबा की शराइ का खूब लिहाज रखें आइंदा उन गुनाहों के न करने का इल्तज़ाम करें बक़सरत, तोबा और इस्तिग़फ़ार का अहमाम हमारे सरों पर मरलानाने वाले अज़ाब के बादलों को हटा सकता है तोबा और का किरदार उम्मत में नजर आना चाहिए इनफ़रादी तौर पर भी इज्तमाही तौर पर भी अल्लाह का फरमान कुरान मजीद में है फितनों के दौर में मुसलमान को दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए अपने तमाम गुनाहों पर उसके सामने नदामत और शर्मिंदगी का इजहार करते हुए माफ़ी मांगनी चाहिए अल्लाह ताला यूँ अपने फजल करम से फितनों से भी महफूज कर रखेंगे अज़ाबों से भी महफूज रखेंगे अल्लाह का फ़रमान है सुर अनफ़ाल के आयत नंबर तैतीस में उमा ख़ान अल्लाह मदिब हम उमा खान अल्लाहब मन तफ़ीम उमा खान अल्लाह मदिब हम उम इसफ़िर

इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं अनाम के आयत नंबर बयालीस तैतालीस में फलोलाओन कलोब वजयलोम फिर जब उन पर हमारा अजाब आया तो वो क्यों न गिड़गिड़ाए? अब इस वक्त पूरी दुनिया पर अजाब आ चुका है और मुख्तलफ के अजाब नित नए रोज़ाना अखबार में आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि कहीं तूफ़ान आ रहा है तो कहीं सैलाब आ रहा है कहीं कहत का अजाब है तो कहीं तेज़ंद आंधियाँ आ रही हैं कहीं रेती रेतीली आंधियाँ आ रही हैं कहीं मौसम नहायत अजियतनाक बनता जा रहा है तो बहर कैफ़ ऐसे अजाब की सूरत में अल्लाह के सामने गिड़गड़ाने से अल्लाह ताला का अजाब टल सकता है फितनों के दौर में मुसलमानों को सर दिल से अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए अपने गुनाहों से तोबा और इस्तिगफार करना चाहिए दूसरी चीज़ अजाब इलाही को टालने के लिए पुरास दुआएँ अल करीब से सरगोशियाँ और मुनाजात भी एक अहम वसीला हैं रात की तारीखियों में आखिरी पहर में उठ कर अल्लाह से दुआ करें अपने गुनाहों से इस्तगफार और तौबा करें पूरी उम्मत के अंदर इस तबा और इस्तगफार का किरदार दुआ और मुराजात का किरदार मस्जिदों में अल्लाह के सामने सर सजदे में रख कर घरों में रात की तारीकी में तन्हाइयों में अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह दुआओं को सुनने वाला है अजाब को टालने वाला है फिरौन जैसा फिरौन जिसने अना रब कहा था तकबर और गुरूर में आकर उस पर मुख्तलिफ किस्म के अजाब आए वारसल ने आलिम तूफ़ान वजराद वलकुम्बल वदफ़ा दिया जब भी कोई अजाब आता तो अपने तमाम तर गुरूर और तकबर के बावजूद हजरत मिसाम से आके कहता दुआ की दरख्वास करता सूर्य आराफ़ में है मूसा बनी इसराइल असा आप हमारे लिए दुआ करें आपकी दुआ अल्लाह सुनता है अगर हमसे ये मुसीबत टल गई तो हम तुम पर ईमान लाएंगे बनो इसराइल को आपके साथ भेज देंगे आपका जो डिमांड हमसे है मुतालबा है हम भेज देंगे जैसे ही अजाब टल जाता फिर वह अपनी पुरानी आ, बदमाशियों की तरफ वापस पलट जाते तीसरी और आखिरी बात अजाब को टालने के लिए यह है कि अमर बिल मारूफ और नहीं मुनकर इनफरादी और इज्ती सतह पर उसका खसूस एहतमाम करना होगा बुराई को देख कर खामोशी से गुजर जाने वालों पर भी अजाब आता है बुराई को देख कर जुबान से हाथ से रोक नहीं सकते तो जुबान से रोकना चाहिए जुबान से रोक नहीं सकते तो दिल में तो बुरा तस्वर करना चाहिए तो इन तीनों मरातिब और मकामात के बाद ईमान का अदना तरीन दर्जा ही रह जाता है कमज़ोर तरीन ईमान बाकी रह जाता है और एक वक्त ऐसा भी आता है आज हमारे घरों का माहौल क्या बना हुआ है घर में हर हर घर में एक एक बच्चे के पास अपना मोबाइल अलग है अपना कमरा अलग है अपने कमरे को बंद करके बच्चे हमारे किन किन से चैटिंग करते रहते हैं और किस किस से बात करते रहते हैं और क्या क्या, क्या देखते रहते हैं माँ बाप उनको पचास पचास साठ साठ हज़ार का मोबाइल दिला देते हैं और समझते हैं कि हमने बहुत उनकी बड़ी खिदमत कर दी और बच्चे हमारे बहुत ने अप टू डेट होते जा रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं तो मेरे भाइयों ये अल्लाह को आजाब को दावत देने वाली चीज ये पैसा ये दौलत ये रुपया ये बैंक बैलेंस ये अल्लाह की अमानत है कल कयामत के दिन जहाँ आपको अपनी उम्र के बारे में पूछा जाएगा आपकी सेहत के बारे में आपकी जिंदगी के बारे में पूछा जाएगा आपकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा आपको जो दौलत मिली है वो कैसे कमाया कहा खर्च किया इसके बारे में भी सवाल होगा तो अल्लाह के अजाब से बचना है तो अमर बिलमूफ़ कीजिए और नहीं अरे मुनकर का खसूस एहतमाम कीजिए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको इस आलमी वबा से महफूज रखे और आपको और हमें अपने हिफ्ज अमान में रखे हर कसम के ज़ाहरी और बातिनी फ़ितनों से अल्लाह ताला मुझे और आपको बचाए रखे सुबह अकल्ला हम देख अशादोअल्लां अस्त फ्र